हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक और चैप्टर लेके, जावा स्क्रिप्ट। इसमें हम लोग समझेंगे छोटे से एग्जांपल से कि एरे क्या होता है और एरे क्यों बनाते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाते हैं स्क्रिप्ट के साथ नॉट को। सबसे पहले आप लोग एक पेज ले लीजिए और उसको सेव कर लीजिए डेस्कटॉप पर। जैसे मैंने एरे डॉट एचटीएमएल नाम का पेज ले लिया, उसको सेव कर लिया डेस्कटॉप पर। ऐसा पेज आके आप ब्लैंक पेज ले लीजिए, उसमें स्क्रिप्ट के साथ नॉट गोल्ड प्रेस करेंगे तो ये HTML फाइल का कंप्लीट स्ट्रक्चर आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एरे, फिर से मैंने लिख दिया एरे। हम लोग एरे समझे बना ले दोस्तों। तो एरे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में पढ़ रहे हैं, लेकिन एरे अगर आप पढ़ते हैं इसमें अच्छे से तो आपको वो PHP भी आ जाएगा, किसी भी लैंग्वेज में आप सीख जाएंगे आसानी से। जितना भी इसमें पढ़ाया जाएगा वो सब अगर आप अच्छे से समझ के पढ़ते हैं दोस्तों, तो सारी लैंग्वेज में वो चीज़ यूज होती है, सेम वही चीज़ है ना। बस यहाँ पे जैसे वायर कीवर्ड से हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, PHP में हम लोग डॉलर लगा के वेरिएबल बनाते हैं, है ना दोस्तों। ऐसे ही पाइथन में कुछ डॉलर लगा के बनाते हैं, या ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स हैं। बस हमें सिर्फ सिंटेक्स उनका समझना होगा, बाकी वेरिएबल बनाने का सेम तरीका। वहाँ भी वेरिएबल बनता है, वहाँ भी यहाँ भी वेरिएबल बनता है। वहाँ भी लेंथ कीवर्ड का यूज होता है, यहाँ भी लेंथ कीवर्ड का यूज होता है। वहाँ भी फंक्शन कीवर्ड यूज होता है, यहाँ भी फंक्शन कीवर्ड यूज होता है फंक्शन बनाने के लिए। वहाँ भी बहुत सारे एरे हैं, यहाँ भी एरे है, यहाँ भी एसोसिएटिव एरे है, वहाँ भी एसोसिएटिव एरे, तो बहुत सारे एरे हैं। तो थोड़े से एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं एरे क्या होता है दोस्तों। एरे सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है, एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है। अब मैं स्पेशल वेरिएबल क्यों बोल रहा हूँ एरे को, क्योंकि नॉर्मल वेरिएबल कुछ इस तरीके से होता है। अगर मैं x इक्वल टू ये लिखूँ रेक्टर नेम, सबसे पहले तो स्क्रिप्ट को इनेबल करूँगा। मैं स्क्रिप्ट का मैं इनेबल कर लिया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ x नाम का, और इसमें क्या स्टोर कर देता हूँ मैं नेम, है ना। मैंने इसमें स्टोर इस तरीके से नेम स्टोर कर लिया, ठीक है दोस्तों। लेकिन 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 ये कौन सा वेरिएबल, ये नॉर्मल वेरिएबल है ना। इसमें आपने नेम स्टोर कर दिया, ये नॉर्मल वेरिएबल बोल जाएगा। लेकिन अगर आप एरे का वेरिएबल बनाते हैं, एरे का वेरिएबल इसलिए स्पेशल वेरिएबल मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें मोर देन वन वैल्यूज। अब इसमें आप एक ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसमें कामा लगा के आप दूसरी वैल्यू नहीं स्टोर कर पाएंगे दोस्तों इसमें, है ना। ये तो एक ही साथ मैं अलर्ट करूँगा, तो देखिए दोनों सब एक ही साथ में प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर अगर अलर्ट करता हूँ एक्स को, एक्स को मैंने इस तरीके से अलर्ट किया, तो देखिए सब एक साथ प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कंट्रोल ओ करूँगा इसको, और एरे जो हमारा है उसको ओपन विथ गूगल क्रोम करूँगा। तो एरे कहाँ पर देख लेता हूँ मैं, एरे एरे ये रहा एरे, है ना। इसको ओपन विथ गूगल क्रोम करता हूँ, ये देखिए गूगल क्रोम में मैंने ओपन कर लिया। तो यहाँ पर देखिए क्या आया, अलर्ट में आया ये सब प्रिंट हो गया एक साथ, है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि एक ही वेरिएबल में आप बहुत सारा मल्टीपल डेटा स्टोर करें, यानी कि एक ही वेरिएबल में बहुत सारा डेटा स्टोर करें, तो आप क्या करेंगे, एरे बनाएंगे, है ना। एरे कैसे बनता है दोस्तों, एरे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे किसी भी नाम का, मैं आप एरे में नाम दे सकते हैं वेरिएबल का, है ना। तो ये वेरिएबल नेम आप कोई भी नाम दे दीजिए, मैं यहाँ पे देता हूँ ARR यानी एरे, है ना, इक्वल टू इस तरीके से, यानी ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है दोस्तों, इसको बनाएंगे हम लोग। इसके अंदर यही एरे का फॉर्मेट है दोस्तों, ये बस हो गया आपका एरे, है ना। अगर आप इसमें कोई डेटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पर नेम स्टोर कर लिया, फिर कामा देते मैंने और मैंने विशाल इस तरह से लिख दिया विशाल, है ना, और कामा दिया मैंने, और यहाँ पे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ इसी तरीके से मैं कामा दिया, और यहाँ पे मैं उसका जो है सब कुछ स्टोर कर लिया। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 123 इस तरीके से उसका नंबर। अब अगर आप चाहते हैं एरे में से, अगर आप चाहते हैं, सबसे पहले मैं चेक करता हूँ कि एरे की लेंथ क्या है ना। तो अगर आप एरे की लेंथ चेक करना, तो एरे यानी ARR यानी ये वाला वेरिएबल डॉट लेंथ, ये वाला वेरिएबल डॉट लेंथ, तो मैं अलर्ट में डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि अलर्ट में हमें रिजल्ट मिल जाए। तो ARR लिखेंगे इस तरीके से, डॉट लेंथ इस तरीके से लिखेंगे, लेंथ कीवर्ड का यूज करेंगे, तो ये आपको एरे का लेंथ दे देगा दोस्तों। मैं यहाँ पे आके अपना पेज रिलोड करूंगा, ये देखिए क्या आया 4। अब ये 4 क्यों आ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 4 वेरिएबल यहाँ पे स्टोर है, मतलब 4 डेटा स्टोर है, यानी 0, 1, 2, 3। तो एरे के रूप में इसको 0 से गिनेंगे, लेकिन इसमें 4 है, इसको 1, 2, 3, 4, है ना। लेकिन एरे से अगर आप एक्सेस करना चाहेंगे, अगर आप नेम को एक्सेस करना चाहते हैं ARR में से, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे का वो लगाएंगे ब्रेकेट, इसको बोलते हैं दोस्तों एरे ब्रेकेट, इसको बोलेंगे, है ना, इसको एरे ब्रेकेट बोलते हैं, इसको एरे का वो, हाँ, इसको एरे का ही ब्रेकेट बोलेंगे। ये जो ब्रेकेट है ना, आप इसको एरे का ब्रेकेट मान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है क्या करेंगे, अगर आप नेम को एक्सेस करना, तो यहाँ पे क्या, कौन सा इंडेक्सिंग नंबर पास। अब ये इंडेक्सिंग नंबर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इसमें से अगर आपको डेटा निकालना है दोस्तों, तो इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू ही आप डेटा निकाल पाएंगे। इंडेक्सिंग नंबर क्या है, इंडेक्सिंग नंबर कुछ नहीं है दोस्तों, इंडेक्सिंग नंबर एक नंबर होता है बस। यहाँ पे देखिए एरे में ही होता है वो, 0 ये 1 होता है, 0 1 2
थ्री, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहें तो इंडेक्सिंग नंबर क्या पास करेंगे, यहाँ पे थ्री। अभी मैं जीरो को एक्सेस कर रहा हूँ यानी नेम को, तो यहाँ पे क्या आएगा अलर्ट में, क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे नेम आएगा। मैं देखिए ये देखिए नेम आया। इसी तरीके से अगर आप लास्ट वाले को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा आपको, जीरो वन टू एंड थ्री, यानी यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे तो थ्री आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे अगर थ्री लिखते हैं तो ये नंबर आ जाएगा, ये वन टू थ्री जो लिखा हुआ ये नंबर आ जाएगा। मैं रिलोड करूंगा, ये देखिए नंबर आ गया है ना दोस्तों। तो एरे में बहुत ही आसानी से आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक एरे का ब्रैकेट बनाना है, उसके अंदर कॉमा देके, जैसे आपको यहाँ पे इसको सेपरेट रखना है, इसको सेपरेट रखना है, तो आपको कॉमा से उसको सेपरेट करना पड़ेगा, है ना। ये देखिए कॉमा से इसको सेपरेट करना पड़ेगा, तभी ये सेपरेट हो जाएगा। एरे बनाने का ये एरे का एक मेथड है दोस्तों, जो मैंने आपको बताया बनाने का, ठीक है। एरे कैसे बनाते हैं, एक तरीका है ये, मैंने बताया आपको एरे कैसे बनाना है और एरे का डेटा कैसे प्रिंट करना है। तो एरे का अगर कोई भी डेटा आप प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चीज़ याद क्या रखना है, इसमें याद रखने वाली बात ये है दोस्तों कि एरे क्या है, एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें हम मल्टीपल डेटा एक ही वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। जैसे मल्टीपल डेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए नेम भी स्टोर्ड है, ये भी स्टोर्ड है, ये भी स्टोर्ड है, ये भी स्टोर्ड, तो मल्टीपल डेटा आप यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डेटा, थाउजेंड जितना ले जाना चाहें यहाँ पे उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। बस सबको एक एक करके इंडेक्सिंग नंबर से ही एक्सेस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हमारा कौन सा डेटा हो गया एरे के, एरे में इसको कौन सा डेटा बोलेंगे, कौन सा इंडेक्सिंग नंबर पे, एरे को इसको फोर इंडेक्सिंग नंबर पे बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे जीरो वन टू थ्री एंड फोर। अगर आप एरे की लेंथ निकालेंगे यहाँ पे, तो एरे की लेंथ अभी क्या आएगी, फाइव आएगी, एरे डॉट लेंथ, है ना। तो लेंथ कीवर्ड ये गिन के देता है, यहाँ से हम जैसे हम लोग गिनते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, तो एरे भी ऐसे ही काउंट करता है। लेकिन एरे बोल रहा हूँ मैं, ये लेंथ जो कीवर्ड लगाते हैं हम लोग, लेंथ ऐसे ही काउंट करता है जैसे हम लोग काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। लेकिन ये एरे के फॉर्म में कैसे जीरो से, एरे जो हमारा होता है वो जीरो से काउंट करता है, यानी जीरो वन टू थ्री फोर। तो एरे इसको फोर तक मानेगा, यानी हमें अगर नेम को एक्सेस करना है तो हमें जीरो लगाना पड़ेगा, और लेंथ यहाँ से वन से काउंट करेगा, यानी वन टू थ्री फोर फाइव। तो लेंथ अगर आप लगाते हैं तो उसकी लेंथ क्या आएगी, फोर आएगी, है ना दोस्तों। यहाँ पे देखिए मैं रिलोड करता हूँ पेज को, फाइव आएगी लेंथ, फाइव आएगी, क्योंकि यहाँ पे एक और डेटा मैंने ऐड कर दिया था लास्ट में ना, तो फाइव आया। तो यहाँ पे जीरो वन टू थ्री फोर, यानी लेंथ प्लस वन, यहाँ पे फाइव आया, ठीक है दोस्तों। तो एरे में से लेंथ अगर आप निकाल लें, अगर आपको पांचवा डेटा प्रिंट करना है तो यहाँ पे एरे का कौन सा इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे दोस्तों, फोर। एरे का इंडेक्सिंग नंबर फोर पास करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये वाला डेटा प्रिंट हुआ, यानी लास्ट वाला डेटा प्रिंट हुआ। तो दोस्तों आई होप आप लोग को एरे समझ में आ रहा होगा कैसे क्या करना है। तो एरे में आपको ज़्यादा अभी कुछ नहीं सोचना है दोस्तों, बस एरे बनाना सीख लीजिए आप कि एरे कैसे बनता है, बस इतना समझिए। और एरे क्या है, एरे एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें मल्टीपल डेटा कंटेन करते हैं, है ना, मल्टीपल वैल्यू एक ही बार में रख सकते हैं हम लोग। तो बस आपको क्या करना है, एरे याद रखना कि एरे कैसे बनता है, एरे का पैरेंथेसिस, एरे का ब्रेकेट याद रखना आपको, है ना दोस्तों। एरे ब्रेकेट कौन सा, ये वाला ब्रेकेट, बड़ा वाला ब्रेकेट, है ना, ये, तो इसको एरे ब्रेकेट बोल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एरे ब्रेकेट इसको बोल सकते हैं, और इसका बस क्या याद रखना है आपको, स्पेशल स्पेशल वेरिएबल होता है। और क्यों होता है ये स्पेशल, क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टीपल डेटा को कंटेन करता है, मल्टीपल डेटा रख सकता है एक बार में, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक ही वेरिएबल है लेकिन चार पांच डेटा को स्टोर कर रहा है, और इंडेक्सिंग नंबर के थ्रू हम चारों पांच डेटा को स्टोर, अगर आप डीओबी को एक्सेस करना चाहेंगे तो डीओबी में कौन सा इंडेक्सिंग नंबर पास करेंगे, जीरो वन टू, यानी टू पास करेंगे यहाँ पे, तो डीओबी हमारा एक्सेस हो जाता है। देखिए मैं रिलोड करूंगा, रिलोड करता हूँ कि ये देखिए डीओबी हमारा एक्सेस हो गया। तो आई होप आप लोग को एरे समझ में आ रहा होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू अगेन।